हेलो डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम शुरुआत में फेल हो जाते हैं, परंतु कुछ विजिट्स के बाद सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में रिजल्ट आ जाता है। पेशेंट शुरुआत में हमारे साथ चलते रहता है, परंतु जब कुछ विजिट्स के बाद रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस समय आने पर उसकी PPP बदल जाती है, अर्थात प्रेजेंट परसिस्टिंग एंड प्री डोमिनेटिंग मेंटल स्टेट्स बदल जाती है और हमें अब उसके इस नए मेंटल स्टेट पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना होता है बिकॉज वी ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज़। यहाँ पर पेशेंट की जो भी बीमारी हो पर उसका बोलने का तरीका, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन एक जैसा ही रहता है, चाहे वो दर्द की बीमारी हो, खुजली की बीमारी हो या अन्य और कोई बीमारी हो। पेशेंट इरिटेट होकर बोलता है, चीर कर बोलता है कि सर, इतने दिनों से दवा खा रहे पर कोई आराम तो मिल नहीं रहा है, कुछ तो आराम मिलना चाहिए, न तो पेट में कोई आराम है, न गैस एसिडिटी में कोई आराम है, न दर्द ही कम हुआ है, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया होगा दवा लेते लेते। यह पेशेंट का PPP है। अपनी बात कहते समय पेशेंट बहुत सी अन्य बातों का भी जिक्र करता है। कुछ पेशेंट लंबे में कहते हैं, कुछ पेशेंट छोटा करके कहते हैं, परंतु उनकी मेंटल स्टेट एक जैसी ही होती है, कहने का ढंग एक जैसा ही होता है। बाकी हमें मेंटल स्टेट को लेकर प्री जुडिस नहीं होना है कि पेशेंट ऐसा ही कहेगा, बल्कि पेशेंट हमें जो सिम्टम्स देता है, जो एक्सप्रेशंस देता है, हमें उस पर ही अपना वर्कआउट करना होता है। अब हम लोग इस केस को लेकर एनालिसिस करते हैं और उसे रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को रूब्रिक के भाषा में समझते हैं। रूब्रिक नंबर 1, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। नंबर 2, एक्स्ट्रावेगेंस। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। एंड लास्ट नंबर 4 इज कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज। द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ रेपर्टराइजेशन इंडिकेट्स नक्स वोमिका। अब हम लोग ऊपर के सारे रूब्रिक्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। रूब्रिक नंबर 1, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, इसमें पेशेंट इरिटेबल हो जाता है और इसका कारण है पेन, पर यह पेन फिजिकल न होकर मेंटल होता है, उससे मानसिक दर्द होता है। यह पेशेंट ऐसा सोचकर मानसिक दर्द का अनुभव करता है कि इतना दिन दवा खाया पर कुछ आराम तो हो नहीं रहा है, इतना दिन दवा खाया पर कोई आराम तो हुआ नहीं। नेक्स्ट रूब्रिक, एक्स्ट्रा वेगेंस, इट मीन्स यू स्पेंड मोर मनी देन यू नीड टू, अर्थात जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देना, चाहे वो पैसा हो, समय हो या अन्य कोई चीज़ हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ पर पेशेंट ने अपने हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा समय डॉक्टर को दिया, लिमिट से ज़्यादा टाइम डॉक्टर को दिया। जब तक वस्तु लिमिट के अंदर रहती है, टाइम लिमिट के अंदर होता है, तब तक पेशेंट ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, सोचता है चलो अभी तो 1 सप्ताह हुआ है, अभी तो 2 ही सप्ताह हुआ है, परंतु लिमिट से बाहर जाने पर पेशेंट का रिएक्शन चालू हो जाता है। सभी पेशेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग लिमिट्स होती है, टाइम देने की, पैसा खर्च करने की। द नेक्स्ट रूब्रिक, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, इसमें पेशेंट की बातें या उसकी एक्टिविटी के पीछे रीजनिंग होती है, लॉजिक होता है। जैसे वह कहेगा कि मैं आपके यहाँ से 5 महीने से दवा खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ तो आराम होना चाहिए,
आपने मुझे जो जो कहा था वो सब मैंने खाना बंद कर दिया। अभी मैं ये भी नहीं खाता हूँ, वो भी नहीं खाता हूँ। इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें पेशेंट की बातों को सुनने के बाद ऐसा मन में महसूस होगा कि पेशेंट सही कह रहा है, उसकी बातों के पीछे लॉजिक है। यहाँ पर यह पेशेंट भी अपनी बातों को लॉजिक के साथ कह रहा है कि सर इतने दिनों से दवा खाया तो कुछ तो फ़र्क आना चाहिए, कोई आराम नहीं हुआ है। द नेक्स्ट रूब्रिक कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज। इसमें पेशेंट डॉक्टर के पास कुछ उम्मीद लेकर आता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है, पर वह जब फुलफिल नहीं होता है तब वह अपनी बात डॉक्टर से कहता है, तब वह डॉक्टर से शिकायत करता है कि सर मैंने सब कुछ किया, आपने जो जो बोला वो मैंने सब किया, पर रोग में कोई आराम मिल नहीं रहा है। इस पेशेंट ने भी कहा कि न तो मुझे दर्द में आराम है, ना गैस एसिडिटी में कोई फ़र्क हो रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। इस मेंटल स्टेट को सपोर्ट देने के लिए और भी बहुत सारे रूब्रिक्स आ जाते हैं, जैसे फ्राउन डिस्पोज्ड टू, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, इम्पेशेंट हीट डूरिंग वगैरह वगैरह। जैसे जैसे हम दवा को समझते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे रूब्रिक्स हमारी समझ में आते जाएंगे और हम कम से कम बातों पर पेशेंट को मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकेंगे। पेशेंट की कम बातों पर भी हम अधिक से अधिक रूब्रिक बना सकेंगे। पेशेंट क्या कहता है, कैसे कहता है, उस पर कुछ रूब्रिक्स हमारी समझ में आते हैं। पेशेंट कैसे कहता है और कैसे करता है, इस पर भी हमारी समझ में कुछ रूब्रिक्स आने चालू हो जाते हैं। इस तरह एक सीन को देखकर हम मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं, बट इट डजंट हैपन ऑलवेज। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा सब पेशेंट के साथ नहीं होता है। कुछ में हम आसानी से निकल जाते हैं और कुछ में हम खुद फंस जाते हैं, फिर हमें स्वयं को मेहनत करके निकालना पड़ता है। नाउ कम आवर नेक्स्ट सेक्शन ब्रीफ केस। पेशेंट इरिटेबल होकर बोलता है कि आराम तो कुछ मिल नहीं रहा है, इतने दिनों से दवा खाया तो कुछ तो आराम होना चाहिए था। द रूब्रिक इज इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। पेशेंट इरिटेबल होकर बोलता है न तो पेट दर्द में ही कुछ आराम है, न गैस एसिडिटी में कोई फर्क है। द रूब्रिक इज इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग एंड कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज। पेशेंट इरिटेबल होकर बोलता है कि इतने दिनों से दवा खा रहे हैं, 3-4 महीने हो गए होंगे। द रूब्रिक्स आर इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी विथ यू ऑन द डिस्कशन ऑफ नक्स वोमिका ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। मैं अपने इस एक्सपीरियंस पर इसीलिए भी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन देते समय कुछ एक दवाओं में से यह एक ऐसी दवा है जो पेशेंट के मेंटल स्टेट को तुरंत बदल देती है और उसकी तकलीफों में तुरंत रिलीफ आना चालू हो जाता है, और नेक्स्ट विजिट में पेशेंट की इरिटेबिलिटी, पेशेंट का कंप्लेनिंग, पेशेंट का एंगर, पेशेंट का इम्पेशेंस सब गायब हो जाता है। इस मेंटल स्टेट पर यह दवा जटिल से जटिल केसों को भी आराम से निकाल देती है, जिसमें स्वयं डॉक्टर भी फंस जाता है। डॉक्टर भी सोचता है कि इतने दिनों से मैं इसे दवा दे रहा हूँ, अब आगे क्या करूँ, कैसे करूँ। आई मीन टू से दैट इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड गिव्स अ वंडरफुल रिजल्ट। इट इज़ अ प्योरली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नाउ कम अबाउट द रेपर्टरी। हमें समय समय पर अलग अलग रेपर्टरीज का यूज करना होता है। कुछ रेपर्टरी के रूब्रिक में अलग अलग मेडिसिन का एडिशन होता है,
और दूसरे रेपर्टरी में अलग मेडिसिन्स का एडिशंस होता है। इसीलिए हमें समय समय पर रूब्रिक के अनुसार, एडिशन के अनुसार रेपर्टरी का यूज करना होता है। जैसे कि कंप्लीट रेपर्टरी में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में नक्स भूमिका है, परंतु सिंथेसिस में नहीं है। जैसे कि मर्फी के बार्गेनिंग रूब्रिक में लाइकोपोडियम है, सिंथेसिस में नहीं है, कंप्लीट में नहीं है। जैसे कि सिंथेसिस में क्रेडुलस रूब्रिक है, कंप्लीट रेपर्टरी में नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम जिस तरह रेपर्टरी को रीडिंग करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा कि कौन सी रेपर्टरी का यूज अभी करना है। और इस तरह हमें सभी रेपर्टरीज का यूज करके आगे बढ़ना होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन विथ सम न्यू एक्सपीरियंस।